नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में होती है शराबखोरी, जहां तहां बिखरे पड़े हैं अवशेष। अधिकारियों ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। कोरबा का मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल शराबियों का अड्डा बन गया है। अस्पताल में ऐसे कई स्थान हैं जहां रात के अंधेरे में शराबखोरी की जाती है और उसे वहीं फेंक दिया जाता है। इस संबंध में हमने अस्पताल प्रबंधन से बात की, तब वे मौके पर पहुंचे और साफ सफाई करवाई। उन्होंने अस्पताल के सुरक्षा अधिकारियों को भी तलब किया और अस्पताल में होने वाली शराबखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। कोरबा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में जमकर शराबखोरी की जा रही है। रात के अंधेरे में शराबी सक्रिय हो जाते हैं और जहां स्थान मिलता है वहां शराबखोरी करने लग जाते हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि अस्पताल में मिली शराब की खाली बोतलों से साबित हो रहा है। अस्पताल में ऐसे कई स्थान जहां कोई झांकने नहीं जाता, जिसका बेजा फायदा असामाजिक तत्व उठाते हैं और शराबखोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस संबंध में हमने अस्पताल प्रबंधन से बात की, तब उन्होंने बताया कि सुरक्षा अधिकारी को तलब किया गया है और कहा गया है कि अस्पताल की मर्यादा का ध्यान रखें और किसी भी सूरत पर अस्पताल में शराबखोरी न होने दें। अस्पताल के अधिकारियों ने मौके का जायजा भी लिया और साफ सफाई भी करवाई। उम्मीद है आने वाले समय में शराबखोरी जैसी घटनाओं पर विराम लग सकेगा। कोरबा से माधुरी जांगड़े की रिपोर्ट। अस्पताल में देखा जा रहा है कई जगह शराब की बोतलें फेंकी हुई है, कई जगह व्यवस्था नजर आई है, उसे लेकर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी सर? आप लोगों के माध्यम से पता चला कि अस्पताल में कुछ जगह जो ब्लाइंड एरिया है, जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा शराब सेवन करके छोटी छोटी बॉटलें रखी हुई हैं। तो अभी मैं सेक्रेटरी इंचार्ज को बुलाकर मैंने कहा है कि कंटिन्यू आप हर दो घंटे में जो ब्लाइंड एरिया है वहाँ पर जाके निरीक्षण करेंगे और इस तरह से ये डबल नहीं दोहराई जाएगी। सर, आपने भी निरीक्षण किया, क्या लगता है कि इस तरीके की हरकत कौन करता हो इस जगह में? उसको बता पाना तो मुश्किल है कि किसके द्वारा शराब का सेवन किया गया, बट वहाँ पे खाली बोतलें मिली, हो सकता है परिजन के अटेंडर हो, कभी कभार हो सकता है कि कोई बाहरी तत्व लोग भी आके यहाँ पे शांत जगह करके शराब का सेवन करते हैं। तो वो ब्लाइंड एरिया पे मैंने सिक्योरिटी को अभी बुलाकर मीटिंग लेकर बोला है कि उसमें स्ट्रिक्टली राउंड लें और लगातार मॉनिटरिंग करें।